यार वैसे तो मैं बॉलीवुड की मूवीज को बहुत ही कम कवर करता हूँ। ब्रह्मास्त्र करी थी मैंने, पठान करी थी और कुछ, और मैं ज्यादातर फोकस करता हूँ सुपर हीरो मूवीज पे या फिर सुपर हीरो जॉनर पे। लेकिन जब बात शाहरुख खान की आती है तो उसको तो कवर करना पड़ेगा। सो गाइस, फाइनली जवान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मूवी को रिलीज होने में एग्जैक्ट एक हफ्ता है। नेक्स्ट थर्सडे को मूवी रिलीज हो रही है, 7 सितंबर को। वैसे मूवीज फ्राइडे को रिलीज होती है बट एसआर की है तो कुछ भी चले। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी के मेरा अभिनीत भारद्वाज। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं जवान के ट्रेलर के बारे में जो कि फाइन हो गया है। एंड शाहरुख खान तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है तो उनके ऊपर तो मुझे वीडियो बनानी ही बनानी थी। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे ओपिनियन दूंगा अपना, मुझे ट्रेलर कैसा लगा और क्या उसमें अच्छी चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्या चीज़ें खराब हैं। एंड उसके बाद फिर मैं स्टोरी ब्रेक डाउन करूंगा जो कि ट्रेलर को देख के समझ आती है। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने भी, काफी लोगों ने गेस कर ली होगी, तो जहां से हो सकता है स्पॉइलर हो तो मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दूंगा। गेस कर रहा हूँ, सिर्फ गेस वर्क है, कहीं पर मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी, कहीं पर कुछ नहीं, बस ट्रेलर के अकॉर्डिंग जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर ट्रेलर की बात करें तो फाइनली यार ट्रेलर हमको देखने मिला, ट्रेलर काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, मजा तो आया शाहरुख खान को देख। और एक बात कंफ्यूजन दूर हो गई, तो कंफ्यूजन ये थी लोगों की जब फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ था, मतलब जब प्रीव्यू आया था तो लोगों ने ऐसा कहा था कि ना बाप बेटे टाइप स्टोरी होने वाली, क्योंकि एटलीस्ट जो सर है उनकी मूवी जितनी होती है बाप बेटे का एंगल हमेशा होता है और डबल रोल होता है, एक्टर ही बाप का रोल पे करता है, सेम एक्टर ही बेटे का रोल पे करता है। बट फिर भी मैं थोड़ा स्केप्टिकल था, मैंने कहा था ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो प्रीव्यू आया था मुझे लगता सेम ही एसआर के, एक ही एसआर के है जो यंग है, जो कि बुढ़ा हो गया, जो टकला हो गया। बट अब ट्रेलर में क्लियरली डायलॉग बोल दिया है, जब बात बेटे पे आती है तो बाप तो आएगा ही, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो अब यहाँ पे बात कंफ्यूजन टोटली खत्म होता है कि यहाँ पे एसआर के दो रोल प्ले करने वाले, डबल रोल, एक बाप का भी और एक बेटे का भी। और कुछ कहानी ऐसी होने वाली है कि इसमें एसआर के एंटी हीरो से, एंटी विलन बोलो एंटी हीरो बोलो समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है वो एक स्ट्रेट या फिर एक डायरेक्टली स्ट्रेट तरीके से अच्छे कैरेक्टर का तो रोल प्ले नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसमें दो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक अच्छा होगा एक बुरा होगा। तो हम इसकी कहानी के बारे में आगे बढ़ेंगे। जो ट्रेलर का सबसे बेस्ट पार्ट है वो एक्शन सीक्वेंस है, एक्शन सीक्वेंस है, धमाकेदार एक्शन है। तो एक चीज पता चली है तो प्रोडक्शन वैल्यू है अच्छी है। अब रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जब भी अपना पैसा लगाती है, जब भी प्रोडक्शन उतरती है तो नो मैटर वॉट कभी भी उसके प्रोडक्शन में आप कमी नहीं निकाल सकते। अब देखिए बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज जो कि बड़े बड़े हैं, जिन्होंने आदिपुरुष भी नहीं, वो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बट सुपरविजन किसका है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब जो ओम राउत की बात करें तो उन्होंने तानाजी मूवी भी बनाई थी, वो अच्छी चली लेकिन आदिपुरुष नहीं चली। उसका रीजन ये है कि ओम राउत के साथ उस टाइम पर सुपरविजन था वो अजय देवगन का था, जो उनका प्रोडक्शन था, इसलिए मूवी अच्छी बनी। सिमिलरली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का जो प्रोडक्शन है वो शाहरुख खान के, तो मूवी अच्छी ही होगी और उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। एंड यहाँ पे एक चीज समझ आती है एसआरके की, जो मार्केटिंग है वो भी काफी स्मार्ट है। अभी तक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ यहाँ पे मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था, एक्टर्स कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और गाने रिलीज होते हैं, वो खुद गानों पर डांस करते दिखते हैं। लेकिन एसआरके ने क्या किया, सबको तड़पाया, वेट किया लास्ट मोमेंट तक कि अपनी अपीयरेंस भी बहुत कम रखी। मतलब प्रीव्यू का एक महीने पहले रिलीज हुआ था, आई थिंक 10 जुलाई के आसपास रिलीज हुआ था प्रीव्यू, और अब 31 अगस्त आ गया, मूवी रिलीज होने में एक हफ्ता है। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ये क्या कि इंसान को तड़पाओ और उसके बाद फिर ट्रेलर रिलीज करो तो नया आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ऐसे ही है आज इंटरनेट पे, आज यूट्यूब पे हर कोई सिर्फ शाहरुख खान की जवान मूवी के बारे में बात कर रहा है। तो मूवी में तो ऑब्वियसली मेन रोल में होने वाले हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण का एक केमियो होने वाला, उसके बाद फिर नयनतारा होंगी एंड 6 गर्ल्स जिनके बारे में ट्रेलर में बात किया जा रहा है, जिसमें ऑब्वियसली होने वाले सानिया मल्होत्रा एंड फ्यू अदर्स, बहुत सारे नाम से इसलिए मैं सबके नाम ले रहा, बट ये मेन कास्ट होने वाली मूवी की। दीपिका पादुकोण अगेन केमियो में होगा और ऑब्वियसली मूवी का जो मेन विलन है, भले अभी तक मूवी को प्रमोट इस तरीके से किया जा रहा है कि शाहरुख खान बोल रहा है कि जब मैं विलन बनता हूं तो मेरे सामने कोई हीरो नहीं टिक पाता, जब मैं विलन बनता हूं ना, बट इस मूवी का जो मेन विलन है वो होने वाले विजय सेतुपति सर, और उसका इस कैरेक्टर का नाम होने वाला है, विजय सेतुपति सर जो कैरेक्टर लेकर उसका नाम होने वाला है काली इस मूवी में। माय नेम इज काली। अब अगर मैं ट्रेलर के अकॉर्डिंग मैं स्टोरी का ब्रेक डाउन करूं तो उसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार की है, तो कहानी कुछ पास्ट से शुरू होगी या फिर हो सकता है प्रेजेंट डे देखें, तो हो सकता है मूवी की शुरुआत कुछ ऐसी प्रेजेंट डे जहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, यानी अटैक किया है एसआर के ने ही, जो कि बूढ़ा वाला वर्ड। अब भी चीज में हो सकता है तो हमको पास्ट ग्लिम्सेस मिले या फिर कहीं पे एसआर के अपनी पुरानी कहानी में, तो एसआर के 1 रखते हैं हम ओल्डर वर्जन, एसआर के 2 रखते हैं हम यंगर वर्जन। तो मूवी की स्टार्टिंग होगी प्रेजेंट डे से जहाँ पे ओल्ड एसआर के ने कुछ ना कुछ किया है, या फिर होता है पास से ही कहानी शुरू, तो कोई इस तरीके से मूवी होने वाली है। तो खैर हम पास से कहानी शुरू करें तो ऐसा होगा कि एसआर के 1 यानी कि ओल्डर एसआर के और दीपिका पादुकोण कहीं पे मिले थे और उन्होंने बीच में प्यार हुआ था किसी गाँव वगैरह में, उनकी फैमिली बनी और एसआर के 1 जो है वो आर्मी ऑफिसर थे। वही पर हम बात करें फिल्म के विलन की, जो कि विजय सेतुपति कैरेक्टर है काली, वो वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट आर्म डीलर, ऐसा मूवी में खुद बताया वो वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट आर्म डीलर है। आई एम द 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर इन द वर्ल्ड। एंड वो इंडियन आर्मी के पास जाकर कुछ ऑफर लेके जाते हैं जो कि कंट्री का अगेंस्ट है, देशद्रोही हो सकते हैं। तो एसआर के बीइंग अ वेरी पेट्रियोटिक पर्सन, जो कैरेक्टर उनका नाम भी तक रिवील किया है, वो कहते हैं नहीं काली मैं तुम्हारे डील नहीं करूंगा, और ऑब्वियसली काली की वो हर्ट हो जाती है। सो काली नो डील। तो काली एसआर के गांव जहाँ पे वो रहते थे, दीपिका उनकी पूरी फैमिली रहती थी, वहाँ पे सबको जला देते हैं, एसआरके की पूरी फैमिली मर जाती है, दीपिका डाइज, जो उनकी टीम थी, जो भी उनके गांव वाले सब मर जाते, सब मारे जाते हैं।
और SRK भी जल जाते हैं, SRK 1 जल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि SRK 1 एक सर्वाइव कर लेते, भले वो जल गए हैं लेकिन सर्वाइव कर जाते हैं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे दो मकसद है, एक तो बदला लेना और विजय सेतुपति को रोकना, बिकॉज ही इज प्लानिंग समथिंग जो कि कंट्री के अगेंस्ट है, तो उसको रोकना तो हर हालत में इंपॉर्टेंट है ही है। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि SRK का एक बेटा भी था, ओल्ड SRK का एक बेटा था जो कि SRK 2 है, बड़े होकर SRK 2 बन जाता है, वो सर्वाइव कर गया। लेकिन SRK 1 और SRK 2 अब अलग अलग रहते हैं, और मे बी SRK 2 को पता नहीं कि उसे फादर भी जिंदा है, क्योंकि वो विजिलेंटी बन गया है फिर अंडर डिस्गाइज चल रहे हैं, जो कि बस बीच बीच अपने अपीयरेंस देते रहते हैं जब भी विलन से सामना करना होता है। अब यहीं पे देखते हैं SRK 2 जो बड़ा हो चुका है, वो पुलिस ऑफिसर है एंड वो मोस्ट प्रोबेबली एक विमेन सेल में पला बड़ा है, बहुत सारी लेडीज के बीच में, बहुत सारी फीमेल्स के बीच में पला बड़ा है एंड यहीं पर उनकी टीम भी बनती है। SRK 2 की शादी हो गई नयनतारा से, उनकी भी एक बेटी है, वो ट्रेलर में भी हमने देखी उनकी बेटी भी। SRK 2 एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, SRK 1 अब बूढ़े हो चुके हैं, वो आर्मी में थे, तो मतलब जो दोनों बाप बेटे हैं वो कहीं ना कहीं किस तरीके से अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। एनीवे अब हम प्रेजेंट में एक बार फिर से देखते हैं कि ओल्ड SRK जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं विजय सेतुपति के लिए, काली के लिए। तो बेसिकली अब काली को पता चल जाता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है, SRK 2 जिंदा है, तो संभव उसको किडनैप कर लिया जाता है SRK 1 को रोकने के लिए। अब यहीं पे अगर गाइस हमने एक सीन देखा ट्रेलर में जहाँ पे SRK 1 बॉल्ड अभी दोनों टकले लुक में है, जो कि ओल्डर वर्जन है SRK का, मतलब बाप वाला रोल है, उसने एक ट्रेन को किडनैप कर रखा है, मतलब ट्रेन को हाईजैक कर रखा, सॉरी नॉट किडनैप, हाईजैक कर रखा है। मुझे ऐसा फील आ रही है कि ना मे बी फिल्म का लास्ट का सीन, फिल्म की एंडिंग का सीन। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, ये तो SRK 2 मर जाए या फिर उसको किडनैप कर रखे। अब बेसिकली SRK 1 SRK 2 को बचाने के लिए जाएगा, तभी वो डायलॉग आता है, बाप बेटे पे आती तो बाप तो आ गई, तो अपने बेटे को बचाने जाएगा। तो काली ने कह SRK की फैमिली यंगर SRK को SRK 2 किडनैप कर रखा, मेरी फैमिली को तो किडनैप कर रखा है, और SRK 1 को फाइनली विजय सेतुपति पे काली का सामना करना पड़ता है। एंड यही मूवी का ओवरऑल स्टोरी है कि कैसे वो सामना करेगा, कैसे उसको रोकेगा। एंड क्वाइट पॉसिबल गाइस किसकी तीन टाइप की एंडिंग हो सकती है, एक तो ऑब्वियसली विजय सेतुपति मारे जाएगा, काली मारा जाएगा, तो हाँ फर्स्ट एंडिंग होगी SRK 2 मर जाए, SRK 1 जो फादर है वो ही सर्वाइव करेगा। एंडिंग नंबर 2 SRK 2 बच जाएगा, SRK 1 मर जाएगा काली को मारने के लिए। एंडिंग नंबर 3 SRK 1 SRK 2 दोनों सर्वाइव करेंगे और SRK 1 को जेल मिलेगी। तो ये कुछ तीन टाइप की एंडिंग होने वाली है मूवी की। ऑल्सो जब SRK 1 जब रिकवर करेगा अपने बर्न से, जब उसको पूरा जल गया था वो, तो इसमें हम देखेंगे उसका शरीर तो संभव रिकवर हो गया, उसने सर्जरी वगैरह कर लिया, उसे बाल उड़ गया था जलने की वजह से, तो इसलिए वो बॉल्ड है। प्लस यहाँ पे उसको बॉल्ड इसलिए भी रखा गया ताकि SRK 1 और SRK 2 में कंफ्यूजन ना हो कैरेक्टर्स के बीच में, लोगों को ऑडियंस को, जो टकले वाले हैं समझ जाएंगे बूढ़ा वर्जन है, जो ये यंगर वर्जन है उसके बाद है ऑब्वियसली। ऐसी कुछ ओवरऑल स्टोरी होने वाली है जवान की, जितना मुझे ट्रेलर देखे समझ आया था, मैं रिटर्न करता हूँ। और यहीं पे SRK ओल्डर SRK की एक टीम जो कि इसमें सानिया मल्होत्रा ने, बाकी सारे जितने भी हैं, कुछ छह ऐसे कैरेक्टर जो कि फीमेल्स हैं जो कि हेल्प करी है ओल्डर SRK की, और उन्हीं की पूरी टीम है जो कि हेल्प करेगी सबकी। तो ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप यू एंजॉय। डेफिनेटली आपके पास खुद की कोई थ्योरीज होंगी ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, एंड क्या है आप एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए ये भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं पर्सनली शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं शाहरुख खान को उतना बड़ा फैन होता हूँ बैटमैन का, तो आप समझ जाइए कि मैं कितना बड़ा फैन हूँ। और इस मूवी को मैं डेफिनेटली नो मैटर व्हाट फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने देता हूँ। आप ही क्या ओपिनियन से मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना है, क्या आप लोग भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं। अगर आप सब मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम भी लिखा हुआ है, देख लेना। मिलते हैं सभी अगली वीडियो में, ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू, आई लव यू, टेक केयर।